फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 19 एवं 20 मार्च की मध्य रात्रि 12:22 से हो जाएगा, जो कि 20 और 21 मार्च की रात को 2:23 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी का व्रत रहेगा, वो 20 मार्च बुधवार के दिन ही रहेगा। पुष्य नक्षत्र युक्त एकादशी तिथि इसी दिन रहेगी। तो सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 20 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 21 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 6:44 से लेकर के 9:44 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप फल या फलाहारी या जल या तुलसी जी के पत्ते से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आपको एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना है तथा इस एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको इस एकादशी के व्रत में करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 19 मार्च 2024 मंगलवार के दिन करना है और 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करना है। यह व्रत आपको ब्रह्म मुहूर्त से, यानी सुबह से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक रखना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में व्रत का पारणा आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा, यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा, वो 21 मार्च 2024 गुरुवार का दिन रहेगा। सभी भक्तजन और माताएं बहनें जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। या तो स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे तो हम आपके नाम से एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही कर देंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त दान पुण्य आप यदि कर देंगे तो आपको पराय अन्न का भोजन करने का दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन करना चाहिए और शुद्ध और पवित्र होकर के एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा को लेकर के यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। हे कमल नयन, भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प धारण करते हैं तो अपने पूजा घर में, देव स्थान में या घर के पूर्व या उत्तर भाग में, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके अपने सामने पूजा की थाली में पीले रंग के पुष्प रख ले और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख ले, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे, जल का पात्र रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे। यदि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता आप नहीं तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ना चाहिए तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे, हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे और जल जब आपने रख लिया है तो उसमें कुछ पैसे रख लीजिएगा, सुपारी रख लीजिएगा, पीला पुष्प रख लीजिएगा, अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख लीजिएगा, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए। अब आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्ते देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अध्याय एकादश्यायां पुण्यतिथियो हो बुधवासरान्वितायां मा पुष्य दिवस नक्षत्रे कर्क राशिस्ते श्री चंद्रे ही मीन राशिस्ते श्री सूर्य ही मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप कश्यप गोत्र या ब्रह्म गोत्र भी इस समय उच्चारित कर सकते हैं। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम
सकल दोष निवारणार्थम, पितृ दोष निवारणार्थम, भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम, कुल देवता प्रसन्नार्थम, कुल देव्यै नमः प्रसन्नार्थम, अद्य दिवसे ही आमल की एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे, हम सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सारे नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में हम एकादशी का व्रत करेंगे। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो अबोध बालक मान करके हमें क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता और पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी के समीप दीपक लगाएं, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, गोमाता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गोमाता को भी इस दिन फल या फलाहारी वस्तु आपको खिलाना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई वस्तु मानी गई है। एकादशी के दिन आपको फलाहार के रूप में ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करना चाहिए, साबूदाने, मूंगफली दाने या मखाने का उपयोग आप कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो फल आते हैं उनका भी उपयोग आप इस दिन कर सकते हैं। यदि आप एक समय फलाहार करना चाहें तो एक समय कर ले, दो समय यदि आपकी इच्छा है तो दो समय भी फलाहार कर सकते हैं, तीन समय भी फलाहार कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी और अन्य जो भी अन्न की वस्तुएं होती है उनका सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहार जो बनाया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है, साथ ही सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहारी जो नमक होता है उसका ही उपयोग फलाहार के रूप में करना चाहिए। और चाय कॉफी का सेवन आप कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में सोना पड़े या विश्राम करना पड़े तो स्नान करने के बाद ही आप शाम का पूजन अर्चन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे, ग्यारस की कथा का श्रवण करेंगे, तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। और यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं तो द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करना चाहिए या फिर पारणा के निमित्त उन्हें भोजन करवाना चाहिए। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करके भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन को यदि आप सार्थक करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। इससे आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए आमल की एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी माना जाता है। यदि आपके घर परिवार में पितृ दोष है या आपके मृतक प्राणी हैं तो उनको भी यदि आप तृप्त करना चाहते हैं, मोक्ष दिलवाना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सभी पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तथा भगवान श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। अमल की एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत रखने का विधान है। अमल की एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करने का विधान बताया गया है तथा सोने के पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में पवित्र जल, तीर्थ जल, गंगा जल छिड़क करके घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का चौकी के ऊपर स्थापना करके पूजन पाठ करना चाहिए। पूजा में तुलसी जी के पत्तों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते आपको तोड़ लेना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों की कथा या पाठ सुनना चाहिए और एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठ करके उपवास को खोलना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए, जिसे पारणा कहा जाता है। पारणा का मतलब होता है व्रत को खोलना। एकादशी पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और पारणा कभी भी एकादशी समाप्त होने के पहले नहीं करना चाहिए। हमेशा एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारणा करना चाहिए। पारण को हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए, हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। व्रत खोलने का जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है वो अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि को माना गया है। प्रातः काल का समय सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप प्रातः काल के समय व्रत खोल सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा और यदि प्रातः काल व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में कदापि व्रत का पारणा न करें। शाम के समय ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग भोजन के रूप में अवश्य करना चाहिए क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और लगातार 2 दिनों तक यानी दशमी और एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय हमको चावल को सम्मान देते हुए, देव अन्न को सम्मान देते हुए चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो उस दिन आप चाहें तो 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें उस दिन आपको शुद्ध और पवित्र भोजन करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 और 20 मार्च 2024 की मध्य रात्रि 12:22 से हो जाएगा तथा 20 और 21 मार्च की मध्य रात्रि 2:23
23 मिनट पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी का व्रत रहेगा वो 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को आमल की रंग भरी एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं एकादशी व्रत का पारणा 21 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 6:44 से लेकर के 9:44 तक कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है या गुरुवार का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो तो आप फल या फलाहारी वस्तु खा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि फल या फलाहारी वस्तु आप नहीं खा पाते हैं तो ऐसे में जल और तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। मिश्री खाकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। पंचमेवा या पंचामृत पीकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। या कोई रस हो जैसे गन्ने का रस हो या कोई भी पवित्र फलों का रस हो उसको पीकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को आल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।